हेलो किड्स, वेलकम टू खालसा लिटिल फ्लावर स्कूल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जीके। टॉपिक रिडल मिटिस, गेंट बबल्स, नेशनल गेम्स एंड लॉस्ट गेम। ये तो कैसी कैसी गेम्स है और क्राफ्ट भी है, बबल्स क्राफ्ट एंड रिडल में दिस। तो लेट्स बिगिन। रिडल नंबर फर्स्ट टॉपिक, रिडल में दिस। ओके, रिडल यानी क्या? रिडल यानी कि पजल टाइप क्वेश्चंस। हम पजल खेलते हैं ना, वैसे टाइप्स के क्वेश्चन हैं। ओके, तो हमें सोच के आंसर देना है। रीड ईच रिडल बिलो एंड स्क्रैम्बल द लेटर्स टू फिगर आउट द आंसर and write the correct answer in the space provided. The shape of the letters is a clue. यहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े हैंड राइटिंग में दिए ना लेटर्स, वो क्ल्यू है। तो उन्हें हमें अच्छे से फिगर आउट करके करेक्ट आंसर दिखाना है। ओके, नंबर वन, पिक मी अप, होल्ड मी टू योर ईयर, टॉक टू समवन फार और नियर, विच इन्वेंशन आई एम। मुझे उठाओ, कान पे लगाओ और किसी से बात करो जो अपना करीब हो या अपने से दूर हो। तो मैं कौन सा इन्वेंशन हूँ? एच पी ओ ई एन, ये क्या लिखा है? तो हमें इसको अब फिगर आउट, जंबल करना है बराबर से। तो पी एच ओ एन ई, फोन। ओके, वेरी इजी। नाउ नंबर टू, गिव मी फूड एंड ड्रिंक टू होल्ड, कम बैक लेटर, दे विल बी कोल्ड, विच इन्वेंशन आई एम। गिव मी फूड, मुझे फूड और ड्रिंक दो और थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, थोड़ी देर के बाद आओ और देखो तो वो कोल्ड होगा, ठंडा होगा। तो वो कौन सा इन्वेंशन है? यहाँ पे क्या लिखा है? बड़ा सा टी है, ई आर आई जी एफ एन ए, बहुत बड़ा स्पेलिंग है तो ये तो, मगर आप लोग बहुत स्मार्ट हो, समझ गए ना। रेफ्रिजरेटर यानी हमारा फ्रिज, आर ई एफ आर आई जी ई आर ए टी ओ आर, रेफ्रिजरेटर। नाउ नंबर थ्री, क्लाइम ऑन मी एंड पैडल फास्ट, ये तो आप समझ ही गए होंगे। फील द ब्रीज एज द वर्ल्ड स्पीड्स पास्ट, विच इन्वेंशन आई एम। यानी कि मेरे ऊपर क्लाइम करो, पैडल को लगाओ एकदम फास्ट एंड हवा को जाने दो पीछे, स्पीड में पीछे जाने दो। तो मैं कौन सा इन्वेंशन हूँ? तो सी वाई ई एल ई बी सी, तो बाइसिकल। ओके, बी आई, बेटा यहाँ पे आपको करेक्शन करना है बाइसिकल की स्पेलिंग में, बी आई सी वाई सी एल ई। ओके, बी आई लिखना है। नाउ बाइसिकल आपको आती है, आप चलाते हो, बहुत तेज नहीं चलाने की। हाँ चलो, नाउ नंबर फोर, आई हैव टीथ बट आई डोंट बाइट, ऐसा कैसा हो सकता है? टीट है पर बाइट नहीं करता। आई कीप योर कोट क्लोज ऑन अ विंटर्स नाइट, विच इन्वेंशन आई एम। यानी मेरे दांत हैं मगर मैं किसी को बाइट नहीं करता, मगर आपके कोट यानी कि आपके कपड़े को मैं बंद करके विंटर नाइट में रखता हूँ। तो वो कौन है? जिपर, जेड आई डबल पी ई आर, जिपर, जो हमारे जैकेट में और कोट में होती है ना जिपर, वो। ओके, समझ में आया? ये पजल था, उसे क्या कहते हैं? रिडल मी दिस। ओके, रिडल मी दिस, रिडल कहते हैं पजल के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना उसे। नाउ नेक्स्ट, टाइम टू बी क्राफ्टी। नाउ यहाँ पे हमें क्या बनाना है? बबल्स। आपने देखा ही होगा बबल्स, आपने खेला भी होगा बबल्स से, यस। तो चलो हम देखते हैं बबल्स में आज हम कैसे बबल्स को बनाएंगे।
तो पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, थिंग्स रिक्वायर्ड। तो नंबर वन, वॉशिंग लिक्विड, सोप, वाटर, ग्लिसरीन और कॉर्न सिरप, लार्ज बाउल और लार्ज पिज़्ज़ा ट्रे, वायर, बॉल ऑफ स्ट्रिंग एंड जग। हमें ये सेवन, वी नीड सेवन थिंग्स। ओके चलो स्टार्ट विथ नंबर वन। मिक्स द वॉशिंग लिक्विड एंड ग्लिसरीन इन अ जग, स्टर इट इन टू अ कंटेनर फुल ऑफ वाटर। नाउ यहाँ पे हमें मिक्स करना है, क्या मिक्स करना है, वॉशिंग लिक्विड, जो लिक्विड आता है ना कपड़े धोने का या बर्तन वेसल्स धोने का, जो भी लिक्विड हो आपके पास वो लेना है, ग्लिसरीन लेना है, सबके पास ग्लिसरीन तो होगा ही, इन अ जग, एक जग में लेना है। स्टर इट इन टू अ कंटेनर फुल ऑफ वाटर, एक जो कंटेनर है अपना जो पूरा वाटर से भरा हुआ है उसके अंदर हमें उसको मिक्स करना है, स्टर यानी कि टू मिक्स। ओके नाउ बैंड द वायर इन अ राउंड शेप, लीव सम ऑफ इट सो दैट यू कैन होल्ड अ वैंड दैट इज फॉर्म्ड। ये मैंने अभी नंबर टू रीड किया। ओके नाउ हमें एक वायर चाहिए, तो वो वायर को हमें बैंड करना है राउंड शेप के अंदर और थोड़ी स्पेस हमें लीव करनी है जहाँ से हम उसको पकड़ सके, होल्ड कर सके वैंड को। ओके नाउ नंबर थ्री, विंड अ स्ट्रिंग टाइटली अराउंड द वायर। नाउ हमें स्ट्रिंग को यानी कि कोई भी हमारे पास डोरा हो या कोई भी चीज़ को, हम वायर को हमें कवर करना है उस चीज़ से। ओके रैप द इलेक्ट्रिक टैप अराउंड द एक्स्ट्रा वायर लेफ्ट फॉर होल्डिंग द वैंड, और ऊपर से हमें जो सर्कल वाला राउंड वाला जो हमारा वैंड है उससे हम उसको हमें किसी से कवर करना है, किसी डोरा से या थ्रेड से। ओके और नीचे नीचे का जो है जिसको हमें होल्ड करना है हाथ से, उसके ऊपर क्या करना है, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक टैप लगानी है। ओके वहाँ से हम वो वैंड को होल्ड करेंगे। नंबर फाइव, डीप द बबल वैंड इनटू द कंटेनर। नाउ डीप यानी कि अंडर, कंटेनर के अंदर बबल वैंड जो हमने बनाई उसे अंडर कंटेनर में डीप करो। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग इज डीप कम्प्लीटली, देखो बराबर से अंडर डीप पूरी होनी चाहिए, नहीं तो हमारा बबल बाहर नहीं बन के आएगा। ओके तो हमको बराबर से डीप करनी है हमारी बबल वैंड को। ओके रिमूव द बबल वैंड एंड लेट सम ऑफ द मिक्सचर ड्रिप ऑफ। नाउ बबल वैंड को रिमूव करनी है और देखना के हमारा बबल आ जाएगा और मिक्सचर तो ऑलरेडी होगा ही अंदर। ओके कहीं मिक्सचर हमारा ख़त्म नहीं हो जाएगा, एंड लेट सम ऑफ द मिक्सचर ड्रिप ऑफ वहाँ पे ही रहेगा। मेक बबल्स बाय मूविंग द बबल वैंड थ्रू द एयर, हाउ बिग कैन यू मेक दैम। और फिर हमें उसे फूक लगानी है थ्रू द एयर और देखना कि कितना बड़ा आपका बबल्स बाहर निकल के जा रहा है। ओके ये तो आपने लेके तो आपने खेला होगा, मगर आप अब बनाना। ओके बना के आप खेलना। ओके मज़ा आई ट्राई करना। ओके बबल्स में गेंद बबल्स। नाउ नेक्स्ट, नेशनल गेम्स अराउंड द वर्ल्ड। अ नेशनल गेम इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ अ नेशन, मैच द नेम ऑफ द कंट्रीज विद देयर नेशनल गेम्स। ओके नाउ हियर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कंट्री एंड द नेशनल गेम्स, कौन सी कंट्री की उनकी नेशनल गेम्स है वो। ओके जो फेमस चीज़ होती है ना वैसे यहाँ पे कंट्री की गेम्स है। तो चलो
स्टार्ट विथ नंबर वन. कैनेडा की कौन सी फेमस गेम है कैनेडा? तो आइस हॉकी. ई के ऊपर आपको नंबर वन लिखना है बॉक्स में. यूएसए की कौन सी है नेशनल गेम? बेसबॉल. ओके, बेसबॉल फेमस है, उनकी नेशनल गेम है, मतलब वो वही चीज़ से फेमस है. ओके, नंबर थ्री बांग्लादेश. तो बांग्लादेश की क्या है? कबड्डी. कबड्डी तो आपने बहुत सुनी होगी. ओके, और खेला भी होगा. नाउ नंबर फोर वेल्स. वेल्स की कौन सी है? रग्बी. रग्बी. ओके, मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखाती हूँ वो गेम का. देन नंबर फाइव जापान. जापान का क्या है? जूडो. ये सारे गेम्स का मैं आपको फोटो यहाँ पे दिख रहा है. ओके, तो आपको देख के यू हैव टू सी. आपको मैं यहाँ पे सारे गेम्स के फोटो दिखा रही हूँ. ओके, कौन सी कंट्री का कौन सा नेशनल गेम है वो. नाउ नंबर सिक्स श्रीलंका. वॉलीबॉल. श्रीलंका का फेमस क्या है? वॉलीबॉल. ओके, नंबर सेवन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का क्या है? क्रिकेट. वाओ, क्रिकेट आपने खेला होगा इसमें से, वॉलीबॉल भी आपने खेला होगा. ओके, नाउ नंबर एट ब्राज़ील. ब्राज़ील का क्या है? फुटबॉल. फुटबॉल भी आपने खेला होगा. खेलते हो क्या? नहीं खेलते हो आप लोग फुटबॉल क्रिकेट? अभी तो आप स्कूल भी नहीं आते हो, तो आप लोग तो खेलते हो गए ना पूरे दिन क्रिकेट एंड फुटबॉल बॉयज. ओके, नंबर नाइन पाकिस्तान. पाकिस्तान का फेमस क्या है? फील्ड हॉकी. फील्ड हॉकी उसका फेमस है. नंबर टेन भूटान. भूटान का आर्ची. आर्ची यानी बो एंड एरो. इलेवन टर्की. टर्की का क्या फेमस है? रेसलिंग. नंबर ट्वेल्व स्विट्ज़रलैंड. स्विट्ज़रलैंड का क्या है? शूटिंग. नंबर थर्टीन चाइना. चाइना का क्या है फेमस? टेबल टेनिस. टेबल टेनिस भी आप लोगों ने खेला होगा. एंड नंबर फोर्टीन स्पेन. स्पेन का क्या है? बल फाइटिंग. ओके, समझ में आया? ये आप लोग याद भी कर लेना साथ साथ में, तो बहुत अच्छा रहेगा. ओके, ये कौन सा कंट्री की कौन सी नेशनल गेम है? इसमें से आपने तो बहुत सारी खेली भी होगी. नाउ टॉपिक नंबर फोर लॉस्ट गेम. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. लॉस्ट गेम यानी कि एक खो गई हुई गेम है. विष अमृत. इसका नाम क्या है? विष अमृत. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस गेम. There are many games which have been a part of Indian history. बहुत सारी games है जो India की history में culture में आई हुई थी, part थी. Okay? And still hold much relevance today. और आज भी वो related है, connected है. Okay? आज भी वो relevance मतलब कि connected है. तो वो कौन सी गेम है? विष अमृत. गो अहेड एंड गिव अ ट्राई टुडे. यू मे एंड अप लाइकिंग देम मोर देन एनीथिंग एल्स. यानी कि गो अहेड और गेम को देखो कि गेम क्या है. अब क्या होगी गेम, क्या होगी विष अमृत के अंदर? आप लोगों ने कभी ये नाम सुना है विष अमृत क्या है? ये एक गेम है. तो अब हम आगे जाके उसको देखेंगे कि ये कैसी गेम है. और यू मे एंड अप लाइकिंग धैम. हम इसका एंड ऐसा ही आएगा कि हम उसे बहुत पसंद करेंगे गेम को, और दूसरी कोई चीज़ को नहीं करेंगे. ओके, तो पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है ये वाली गेम? पढ़ेंगे और आप लोग खेलना भी. ओके, अपने फ्री टाइम में पढ़ लेना पहले और फिर खेलना कि कैसे ये गेम खेला जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. विश मीन्स पॉइजन एंड अमृत मीन्स नेक्टर. विश मीन्स पॉइजन. पॉइजन यानी कि आप सबको पता ही है, जहर.
जहर होता है ना, उसे इंग्लिश में पॉइजन कहा जाता है। एंड अमृत मीन्स नेक्टर। नेक्टर यानी क्या? जो शुगर मतलब के मिठास, उसके अंदर मिठास होती है, जैसे कि इंसेक्ट यानी कि बीज जैसे फ्लावर्स पे से शुगर एंड मीठा रस लेके आती है ना, और हनी बनाती है ना वो, वैसे ही नेक्टर यानी क्या? मिठास होती है। ओके, शुगरी। नाउ विश अमृत इज थस अ गेम ऑफ पॉइजन एंड नेक्टर। यानी विश अमृत एक गेम है जिसके अंदर पॉइजन भी है और नेक्टर भी है, यानी कि जहर भी है और मिठास भी है, ऑफ गुड एंड बैड। देखो आ गया ना, गुड भी है और बैड भी है। इन दिस गेम, ये गेम के अंदर वन डैनर रन्स अराउंड द कैचिंग अदर चिल्ड्रन। एक डैनर होता है, डैनर यानी क्या? जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के जिसके पीछे भागे, वो कौन होता है? डैनर होता है। और सारे जितने बच्चे खेलने वाले होते हैं उनको कैच करने जाए। यस, ऐसा ही होता है ना। अपॉन कैचिंग समवन द डैनर मस्ट येल विश। अगर किसी को डैनर ने पकड़ लिया, ओके, तो डैनर मस्ट येल। येल यानी क्या? वो शाउट करेगा के विश। तो विश यानी क्या? के पॉइजन। वो अब खड़ा ही रहेगा, उसको अब गेम नहीं खेलनी है। ओके, विच इंस्टेंटली फ्रीज द हैपलेस चाइल्ड। वो अब तुरंत ही फ्रीज हो जाएगा, वहाँ पे ही खड़ा हो जाएगा। ओके, हु हैज़ टू स्टैंड स्टिल एंड होल्ड ही पोज। यानी कि वो चाइल्ड को अब वहाँ पे ही खड़ा रह के, जैसी पोजीशन में वो खड़ा है वैसे ही उसको खड़ा रहना है। ओके, हिलना भी नहीं है। हीज और हर टीममेट्स मस्ट लिबरेट बाय टचिंग हिम और हर एंड येलिंग अमृत। यानी कि नाउ कोई भी लड़का हो या लड़की हो, उनके जो टीममेट्स होते हैं ना खेलने के अंदर, बहुत सारे बच्चे, आप लोग भी बहुत सारे खेलते हो ना, कि एक दो ही खेलते हो, बहुत सारे जन खेलते हैं ना, तो वो लोग लिबरेट करते हैं, यानी कि अलाउ कर देते हैं जो विश हो गया होता है ना, यानी कि जो पॉइजन हो गया होता है विश, अब उसको वहीं पे ही खड़ा रहना है उसको थोड़ी देर के लिए। ओके, तो दूसरे जो उसके टीममेट्स होते हैं ना खेलने वाले, वो जाके जोर से शाउट करके बोल दे उसको टच करके, क्या? अमृत। यानी कि अब वो भाग सकता है, दौड़ सकता है, वैसे पहले जैसा ही खेल सकता है। अमृत यानी कि नेक्टर, यानी कि अब गुड, वो अच्छा हो गया, अब उसको खेल सकते हैं और वो भाग सकता है। ओके, तो डैनर क्या बोलता है? विश, और वो स्टॉप हो जाता है। और जो दूसरे टीममेट्स होते हैं वो क्या करते हैं उसको? अमृत, यानी कि वो फटाफट से फिर से भाग सकता है। ऑफकोर्स दे मस्ट डू दिस बिफोर द डैनर टचेस देम एंड फ्रीजेस देम। ये अमृत कौन कह सकता है कि डैनर ने उसको कभी भी फ्रीज नहीं किया है, तो ही वो जाके उसको अमृत बोल के उसको उसको फ्री करेगा। ओके, अमृत बोल के उसको फ्री करेगा, यानी कि वो भी फिर खेल सकता है। पर वो कब कर सकता है उसको फ्री? जब तक डैनर ने उसको फ्रीज नहीं किया है तब तक ही। अगर डैनर ने उसको भी फ्रीज कर लिया है तो वो जाके अब दूसरे को फ्री नहीं कर सकता है खेलने के लिए। ओके, द डैनर थस डोल्स आउट द पॉइजन। यानी क्या? डैनर फिर उसको भी, उसके पीछे भी भाग सकता है पीछे पीछे। ओके, जो फिर से खेल रहा है ना, मतलब जो पॉइजन हो गया था, विश हो गया था, उसके पीछे भी डैनर फिर से भाग सकता है। अटेम्प्टिंग टू डिफ्रीज द एंटायर गैंग ऑफ स्क्रीमिंग प्रे। नाउ अगर डैनर ने सारे गैंग को, पूरी उनकी टीममेट्स को किल कर दिया, यानी कि प्रे यानी क्या? स्क्रीमिंग प्रे यानी क्या? यानी कि फास्ट तेज भाग के सारे को किल कर दिया, सारे को विश कर दिया। ओके, तो हीरोज एग्जिस्ट हु मस्ट रेजिस्ट कैप्चर डॉलिंग आउट नेक्टर। द गेम एंड्स व्हेन द डैनर फ्रीजेस द लॉट। यानी समझो अब क्या है, गेम को एंड कैसे आएगी, यानी कि जब
जब डैनर सारे और बहुत सारे सारे उस उनसे ना भी हो सके ना फ्रीज, तो अगर बहुत सारे बच्चों को वो जब विश कर देता है, फ्रीज कर देता है, तब जाके वो गेम को एंड आ सकती है। ओके, नहीं तो खेलना पड़ता है ना। बहुत सारे अलग 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 जब फ्रीज हो जाएंगे तो वो दूसरे फ्रीज वाले को फ्री नहीं कर सकेंगे भागने के लिए अमृत कह के। ओके, समझ में आया। इसे गुजराती के अंदर बर्फ़ पानी कह जाता है। बर्फ़ पानी, बर्फ़ यानी कि जब नेक्टर उसको टच कर दे और फ्रीज कर दे और विश कह के, तो दूसरे जो टीममेट्स होते हैं ना चिल्ड्रन, वो आके उनको क्या बोलते हैं, पानी, यानी कि अब आप भाग सकते हो। और डैनर क्या बोलता है, बर्फ़, यानी कि वो ऐसा ही खड़ा हो जाएगा। बर्फ़ यानी आइस, आइस बर्फ़ तो पूरा वही का वही रहता है ना, और पानी हो तो पानी तो बह जाए, यानी कि पानी की तरह दौड़े और बर्फ़ की तरह वो फ्रीज हो जाए। समझ में आया, मज़ा आई ये गेम के अंदर। ये गेम खेलना अब आप, ओके, और अपने नेबर्स के साथ, कि हमको टीचर ने सिखाई है गेम। ओके, बहुत मज़ा आएगी। विश एंड अमृत, ओके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मज़ा आई ना चिल्ड्रन समझने में, लॉस्ट गेम, विश अमृत, देन दूसरा क्या पढ़ा हमने, नेशनल गेम्स, रिडल में दिस, एंड हमने बबल्स बनाना सीखा है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।